आप देख रहे हैं राजकरण समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। स्मार्टफोन आज हमारी जरूरत बन चुके हैं, वो जरूरत जिसके बिना रहना आज लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। फोन का इस्तेमाल जरूरत के लिए हो या फिर दिल बहलाने के लिए, हर तरीके से स्मार्टफोन लोगों की जिंदगियों में अहम हो चुका है। हर कंपनी रोज अपने नए नए वर्जन लेकर आती है, लेकिन हर रोज आते ये मोबाइल फोन लोगों के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं। स्मार्टफोन का यूज देखते ही देखते हमारी जिंदगियों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बच्चे हो या बड़े, हर किसी के हाथों में इस वक्त स्मार्टफोन नजर आते हैं। कई लोग तो पूरा पूरा दिन ही अपनी निगाहें फोन के सामने लगाकर बैठे रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्मार्टफोन आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं? दरअसल आए दिन मोबाइल के फटने की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अमेरिका की फ्लाइट में एक स्मार्टफोन में आग लगने के बाद पूरी फ्लाइट को खाली कराना पड़ गया। हालांकि ये घटना कम ही सामने आती है, लेकिन इस तरह स्मार्टफोन का फटना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन के इस तरह फटने पर कंपनियों के तर्क और दावे बिल्कुल अलग हैं। कंपनियों का कहना है कि लोगों की गलतियों के कारण ही स्मार्टफोन फटते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में धमाके या फटने के पीछे कई तरह की गलतियां हमारी भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। पहली, नकली चार्जर का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। डैमेज होने पर भी हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। फोन को ना करें ओवर चार्ज, जिससे भी आपका फोन खराब हो सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। चार्ज के समय फोन की बनाई सूरज की किरणों से दूरी, ये हमें खास ख्याल रखना है कि चार्ज को फोन की सूरज की किरणों से हमें बचा के रखना है। फोन पर ना करें अनावश्यक दबाव, जब आप चार्ज करें तो फोन पर कोई भी भारी वस्तु ना रखें। वहीं लोकल दुकानदारों के हाथों में भी अपना फोन हमें नहीं सौंपना चाहिए। साथ ही हीट होने पर भी फोन का यूज करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। कंपनी की बैटरी का ही हमें ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर हम लोकल बैटरीज भी अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी हमारे फोन पर असर पड़ता है। अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगियों में इन बातों का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए, जिसकी वजह से कल स्मार्टफोन के फटने के मामले ज्यादा सामने आने लगे हैं। इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।